वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज सबसे पहले मैं किसी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। तो जी जनाब, जिनके बारे में कहना चाहती हूँ वो एक बहुत ही प्यारी सी खातून, बहुत ही प्यारी लेडी, बहुत ही प्यारी बेटी, बहुत ही प्यारी बहन और बहुत ही प्यारी कज़न और बहुत ही अच्छी वाइफ भी होने वाली हैं। तो जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबा इब्राहिम, सबा का जहाँ, जिनको आप इस नाम से जानते होंगे। तो जी जनाब, उन्होंने अभी रिसेंट अपना न्यू घर दिखाया और माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी खुद की मेहनत, खुद के बलबूते से बाय किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत घर था। मेरी ढेरों ढेर दुआएं, अल्लाह उनको उस घर में रहना नसीब करे, खुशियों के साथ सलामत रखे हमेशा। अपने उनके माँ बाप की दुआएं उनके सर पर और उनके प्यार करने वाले सारे रिश्ते उनसे ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें। और जी जनाब, इसके साथ साथ, उनके घर के साथ साथ, उनकी न्यू लाइफ के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि हमें अभी रीसेंट ही पता चला। तो जी आपको और आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों की लाइफ को बहुत खुशियों के साथ शुरू करें और सदा आप दोनों ऐसे ही साथ हमेशा हंसते बसते रहें। आमीन सुम आमीन। तो जी चलते हैं प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे हमने उनको खूब सारी दुआएं भी दे दी और बहुत सारा अपना प्यार भी दिखा दिया इस वीडियो के ज़रिए। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी रेसिपी की तरफ। बड़ी ईद आने वाली है खैर आफियत से। तो जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट सी तैयार होने वाला ब्रेन मसाला मैंने आज आपको अपनी वीडियो में दिखाया है। तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ट्राई करने के बाद कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं आगे वीडियो की जानेब। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं एक और बड़ी ईद की, बकरा ईद की स्पेशल ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि यकीनन ईद के पहले दिन तो ज़रूर हमारे घरों में बनती है और हम ख़ास करके इस रेसिपी को बाहर खाने भी जाते हैं, अच्छे अच्छे आउटलेट पे, अच्छे अच्छे जो खाने के हमारे बाज़ार हैं, अच्छी शॉप्स हैं जो अच्छा खाना फराहम करती हैं, तो हम ये रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे बनने जा रहा है ब्रेन। तो आज मैंने बीफ का ब्रेन लिया है, मटन में नहीं है ये हमारे पास, बड़े जानवर का है। तो बस मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी, बे इंतहा आसान, और जो है आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो शायद ये रेसिपी आप लोगों ने अभी तक ना देखी हो, तो आज मेरी वीडियो के तवस्सुल से इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि ब्रेन को जो है ना, हमने बिल्कुल खौलते गर्म पानी को पहले हल्का सा गर्म करने रख दिया था। जब ऐसा बॉयलिंग स्टेज पर आ गया तो हमने इसमें ब्रेन डाल दिया और हल्दी थोड़ी सी डाल दी, ठीक है, हाफ टेबल स्पून जितनी। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसमें बॉयल आने देंगे ताकि हम इसकी वेंस को क्लियर कर सकें, इसको साफ़ कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको पीसेस में करेंगे और आगे इसकी रेसिपी को तैयार करेंगे। बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग कहेंगे वाह वाह। तो चलते हैं आगे, इसके बाद हम इसकी क्लीनिंग दिखाऊँगी आपको या कर लूँगी, तो फिर डायरेक्ट रेसिपी पर चलेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, जल्दी से फैमिली को बड़ा कीजिए। तो ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। जी तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वहाँ पर मैंने ब्रेन को जैसा कि दिखाया था बॉयल कर लिया हल्दी के साथ, उसकी वेंस को क्लीन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से 12 हरी मिर्च लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। अगर आप लोगों को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो बेस्ट है, हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पे चटू डंडा लेंगे, इसके अंदर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, ठीक है, दरदरा भी पीस लें और बिल्कुल ज़्यादा मैश ही नहीं करना हमने, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इसको पीसती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर आगे देखते हैं रेसिपी में क्या होगा।
अच्छा इसमें जो है ना सारा फ्लेवर जो आएगा वो इसी हरी मिर्च से आएगा, हम इसमें कोई लाल मिर्च, गरम मसाला, किसी तरह की कोई स्पाइस ऐड नहीं करेंगे। ब्रेन में सिर्फ ब्रेन होगा, नमक होगा और ये ग्रीन चिलीज जो मैंने आपको दिखाई जो इसके टेस्ट को इन्हांस करेंगी और मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको कूट लेती हूँ अच्छी तरह, तो फिर आप लोगों को आगे दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पे हम फ्राई पैन ले लेंगे, ठीक है, इसको फ्राई पैन में इजीली बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे, पूरे पैन में फैला लेंगे। आंच को मैं थोड़ा कम कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना ब्रेन को अपने ऐड करेंगे, जो हमने वॉश करके ब्रेन रखा हुआ था, ठीक है। और इसी में हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने पेस्ट डाल दिया, 1.5 टेबल स्पून। तो यहाँ जो है ना वो थोड़ी सी छींटें आने लगी थी, एकदम पैन गरम था ना, ठीक है। तो जी हम इसको जो है लहसुन अदरक के साथ हल्का सा पिंक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, और जो हमने ग्रीन चिलीज ये दरदरा सा भी मैंने आपको दिखाया, इस तरह हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल दरदरा फॉर्म में हम ये इस पर ऐड कर देंगे सारी, ठीक है। सारा टेस्ट जो इस पर आएगा निकल के वो इन्हीं ग्रीन चिलीज का होगा, और ब्रेन ख़ुद में बहुत फुलफिल सा एक फूड है और इसका अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो बस ये ग्रीन चिलीज और ब्रेन का ख़ुद का एक ज़बरदस्त फ्लेवर हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ठीक है, 1 नहीं करेंगे 1/2 टेबल स्पून। अब बस हम इसको थोड़ा सा पिंक करेंगे ग्रीन चिलीज के साथ, हल्का सा पिंक करेंगे और इसको हल्का सा लिड से कवर कर देंगे, और यहाँ पे ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। कम से कम 7-8 मिनट या मैक्स 10 मिनट लगा लीजिए, 10 मिनट में ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडी हो जाए तो मैं आपको फिर इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इतना ईजीएस्ट वे आपने आज तक नहीं देखा होगा, और बिल्कुल फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये इतना आउट क्लास बनता है, इतना ज़्यादा बेहतरीन बनता है। अगर आपके मीट लवर्स हैं फैमिली में तो आप स्टार्टर के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं, ब्रेड से खाएँ, पराठे से खाएँ, फरमाइशी चपाती से खाएं, घर की रोटी से खाएं, डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। तो बस इसको हम ये रेडी हो जाए, 10 मिनट के लिए हम इसको कवर अप करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में, और कॉमेंट्स में अपने इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी चाय बना रही है, तो बस थोड़ी देर में आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी जी। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेन फ्राई रेडी है, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।